गुरुग्राम से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बच्चों में भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों का जिक्र करें तो 81 कोरोना संक्रमण के मामले बच्चों में देखने को मिले। इसके साथ ही पिछले अप्रैल महीने के 17 दिनों का अगर जिक्र करें तो 545 कोरोना संक्रमण के मामले बच्चों में यहाँ देखने को मिले हैं। बच्चे किस तरीके से कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं, इसी को लेकर बच्चों से ही बातचीत की है मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने। गुरुग्राम में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में 2549 मामले सामने आए हैं, जो कि कोरोना काल का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड 24 घंटे में देखने को मिला है, जिसमें 81 बच्चे भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो ऐसे में अप्रैल के इन 17 दिनों की बात करें तो 17 दिन में 549 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। बच्चे भी अब कोरोना की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, वो किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए मैं बात कर लेता हूं। जिस तरह अब बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, क्या मालूम है आपको और आप कैसे एहतियात बरत रहे हैं? हम जैसे कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम मास्क जरूर पहन के निकलते हैं। हम अब बाहर थोड़ा कम ही निकलते हैं, जब जरूरत है तब निकलते हैं। हमने अपना खेलना भी थोड़ा कम कर दिया, जैसे कि हम वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जिसके अंदर एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। और साथ में हम हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैं बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, तब दोनों उसमें एक दूसरे का समान टच हो रहा था, तो इसलिए अब हमने वो खेलना बंद कर दिया। अब हम जैसे कि पार्क में आके एक्सरसाइज करते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। क्या क्या एक्टिविटी करते थे पहले आप? पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, फुटबॉल खेलता था और कैचम कैच खेलता था। तो अब मैंने कैचम कैच, बैडमिंटन थोड़ा कम कर दिया है। और मतलब उसमें जैसे कि बैडमिंटन में भी एक दूसरे का रैकेट पकड़ना होता है, और बॉल में तो एक दूसरे की बॉल एक ही बॉल होती है, तो वो हमने कम कर दिया। अब जैसे कि मैं टाइकोंडो करता हूँ, अब टाइकोंडो के अंदर एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं, सब लोग अपना सोशल डिस्टेंस में अपना अपना करते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या ले रहे हैं आप? प्रिकॉशन अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, स्टीम लेते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादातर घर में रहें और बाहर का खाना ना खाएं। देखिए बिल्कुल, जो बच्चे को आपने सुना जो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद एहतियात बरत रहे हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूं। जिस तरीके से बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं लेकिन बच्चे एहतियात बरत रहे हैं, आप किस तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हैं और साथ में बढ़ते मामलों को देखते हुए किस तरह क्या कहेंगे अब आप इस मामले में? गुलशन जी, इसमें जैसा है कि बच्चे घर में जैसा माहौल देखते हैं वो उसी माहौल में ढल जाते हैं। हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो बच्चे भी प्रिकॉशन लेंगे, उनके माइंड में भी आएगा कि इसकी क्रिटिकलिटी उनको भी समझ में आएगी, और ये टफ टाइम है, निकल जाएगा ये भी। और अगर हम इसमें बट वही है कि हमें प्रिकॉशन जरूर लेनी है और जितना हो सके हमें कोरोना से बचना चाहिए। इंडस्ट्रीज के तौर पर क्या देखते हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए, उद्योग जगत पर कितना आगे प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा कि हमने लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन हुआ था, जब हमने बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस को फेस किया था, मुझे उम्मीद है कि शायद अब हमें वैसी सिचुएशन फेस करने की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ फिर भी इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टाइम, और उसमें हमें प्रिकॉशन से, अपनी समझदारी से और इन्हीं चीज़ों से हम लोग बच के बाहर आ सकते हैं। पहले कोरोना काल भी देखा आप, सेकेंड कोरोना काल देख रहे हैं आप, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? मुझे पर्सनली फील होता है कि जैसे पुराने कोरोना काल टाइम के अंदर में लोगों में फियर ज़्यादा था, फियर फैक्टर ज़्यादा था, अब काफ़ी सारे लोगों को जैसे उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको हुआ और वो ठीक हो गई, तो लोगों में एक उम्मीद है कि चलो होगा तो ठीक होगा, तो एक वो डिफरेंस तो उन दोनों में ये है कि इस समय लोगों में इतना पैनिक नहीं है अगर किसी को हो रहा है तो। सेकेंडली अब लोगों को थोड़ा सा अलर्टनेस भी आ गई है कि खाना क्या है और कैसे इससे हमें बचाव करना है। देखिए बिल्कुल, अब लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं। मेरे साथ RWA प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे जान लेता हूं कैसे सोसाइटी में लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं आप। हम ये सबको रेजिडेंटों को कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोई बहुत ज़रूरी काम हो जब भी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, और आप हर उस पर सैनिटाइज करें, अपने का ख्याल रखें हर तरह किसी भी तरह के। पर यहाँ पे देखा हमने गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है। हमने यहाँ टेस्ट कराया था कि चार उसमें बृहस्पतिवार को, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है कोरोना की। ये भी थोड़ी सी गवर्नमेंट की ढिलाई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट भी हमारा साथ अच्छी तरह से दे, जैसे हम अपने आपस में चाह रहे हैं। और भी बच्चे हैं जो पार्क में आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ मन में डर रहता है आपके? मन में डर रहता है कि हमें कोरोना ना हो,
और मन में ये डर रहता है कि हम अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम सैनिटाइजर अच्छे से लगाए, और हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रैंड अंकल और ग्रैंड अंकल को अच्छे से वो रखें। आप खेल पा रहे हैं आप? हम ज़्यादा नहीं खेल पा रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा ही, मतलब स्पोर्ट्स तो कर रहे हैं, मतलब टाइकोंडो कर रहे हैं अच्छे से, मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं हम अभी इस वक्त। मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेलना बंद नहीं किया है। पार्कों में पहले आप लोग खेलते थे, घूमते थे, क्या रूटीन वही है आपका या फिर बदलाव किया? नहीं, अब इतना बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि कई कई बार होता है कि कुछ लोग पार्क में ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, और जब कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तभी जाते हैं, या तो कभी कभार सुबह के टाइम पे जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इम्यूनिटी अच्छी रहे। हालांकि जिस तरह कोरोना में, जिस तरह गुरुग्राम में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए तमाम लोग अब खुद जागरूक हो रहे हैं, और साथ ही बच्चों की बात करें, जिससे जिस तरह अब कोरोना ने बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, तो बच्चे भी अब खुद एहतियात बरतना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।